मैं भरत कुमार दुबे मेरा नाम है, बैठ जाइए। सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, डायरेक्ट्रेट एग्रीकल्चर में। और किसी जमाने में ये आपका एग्रीकल्चर कॉलेज है, यही मेरा एडमिशन हुआ था 83 में। तो आप लोग इंटरेस्ट है इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स मालूम, क्यों जाना चाहते हो? सर मेरे को वो करना है एग्रीकल्चर में, सर फार्मिंग को बढ़ाना, डेवलप करना है। हाँ, अब इस समय अपन जिस उसमें अपना देश चल रहा है या सामाजिक जो परिवेश जो चल रहा है उसमें बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेजर प्रॉब्लम, अच्छा सब हिंदी मीडियम के हैं कि इंग्लिश मीडियम के, ये बताओ। तो मतलब टर्मिनोलॉजी को उस पर चलेगी, मैं हिंदी में बात करता हूँ सर। अपने परिवेश वर्तमान जो चल रहा है कि भाई देश की आबादी कितनी किस प्रपोर्शन में बढ़ रही है, भाई 2011 की आंकड़े मालूम है आपको? पहले सेंसस जो हुआ था, जनगणना हर 10 साल में होती है, है? तो 2011 में अच्छा देश आजाद हुआ था उस समय हमारी जनसंख्या कितनी थी? है भाई 25 करोड़ होगी, 30 करोड़ होगी, ये होगी। 11 के जो आंकड़े थे उसमें कितने कितने कितनी करोड़ हो गई है, कितने करोड़ हो गए हम? 100 करोड़ से ऊपर अपन हो चुके हैं, मतलब 25 से और ये कम से कम 4 गुना 5 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और ये क्या कंट्रोल होना कि ये इसी प्रपोर्शन में बढ़ती रहेगी? आप देखो सब इंटरेक्ट करोगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये बढ़ती रहेगी इसी प्रपोर्शन में। भारत का एक एरिया आपका मकान है, यदि वो 40x60 में आपका मकान बना हुआ है, वो 3 भाई है, उनकी पीढ़ी आएगी तो वो मकान बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं हमको दूसरा खरीदना पड़ेगा। उस मकान को तो हम बढ़ा नहीं सकते, नंबर जैसा तो अपन खींच नहीं सकते। आपकी जनसंख्या बढ़ रही है एक, है ना? दूसरी चीज, आपके भारत का एरिया वही है, रकबा जिसको कृषियों की भूमि वही है, वो बड़ा से बढ़ा सकते हैं हम क्या? अब क्या प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी आपके सामने? भाई जनसंख्या बढ़ रही है, एरिया आपके पास तो उतना ही है, और आप जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था काय पे है, कृषि आधारित हमारी आर्थिक स्थिति है। तो अब हमें इस विषय पे ये यदि उसी उस पर रहे तो ये परेशानी हमारी बढ़ती जाती है। हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा कि जब हमारा एरिया उतना है तो हमको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी कृषि में एग्रीकल्चर में हमको अपनी फार्मिंग को करना पड़ेगा कि किसी भी प्रकार से हम प्रति इकाई रकबा पर यूनिट एरिया वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन, सस्टेन यील्ड प्रोडक्शन। कि हमने एक उस तक जैसे हम पहले 25 क्विंटल हमारा गेहूं पैदा होता था, आज हमने नए टेक्नोलॉजी में उसमें फर्टिलाइजर है, पेस्ट है, पेस्टिसाइड है, ये डाल के हमने उसको 40 क्विंटल और 50 क्विंटल कर दिया। तो 50 एक साल में 50 क्विंटल मिल जाएगा आपको, लेकिन उसको वो हर साल हमको 50 क्विंटल मिलता रहा, ऐसी हमको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, वर्तमान में जो समस्याएं जो चल रही है, जो इश्यूज जो है वो हेल्थ, मेरे को बताओ हेल्थ मतलब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं है कि भाई देश में पॉपुलेशन 125 करोड़ आबादी है और डॉक्टर्स कितने हैं? कम है। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसमें तो लंबी कतार अपने को देखने को मिल जाती है, मतलब उतने डॉक्टर्स नहीं है अपने पास। ठीक, दूसरी चीज क्या है, दूसरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इनकी फूड प्रॉब्लम आएगी, मतलब खाद्यान्न की, जब हमारे पास में सप्लाई, देखो कि ये सप्लाई और प्राइस में उल्टा रिलेशन होता है। किसी चीज की आप सप्लाई कम कर दो ना तो उसके दाम बढ़ जाते हैं, कभी भी देखा अरे वो ब्लैक में मिलने लगी है, ये तो मिल ही नहीं रही है। हमारी किताब कोई चीज किसी विशेष ऑथर की पढ़ते हैं, उसकी सप्लाई कम हो जाए तो रेट बढ़ जाता है। ठीक है, पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से सप्लाई कम आ रही है, डिमांड ज्यादा। उसी प्रकार से फूड प्रॉब्लम भी आपके सामने बिल्कुल खड़ी हुई है, बिल्कुल समस्या और विकराल है, और हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कोई भी बच्चा बिलो डिग्निटी अपने आप को नहीं पाया, उसको कहेंगे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन। अभी वायरस का कितना अभी अपना COVID-19 में आपने सुना, इंजीनियरिंग वाले नहीं समझ पाएंगे इसको, मेडिकल वाला समझ पाएंगे, लेकिन एक एग्रीकल्चर फैकल्टी एग्रीकल्चर साइट का बच्चा ऐसा है
जो इंजीनियरिंग में भी बात करेगा और आपके वायरस में भी बात कर लेगा, बैक्टीरिया में भी बात कर लेगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म में बात कर लेगा। तो यदि आपका यदि ऐसा सोच बनता है तो ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छी जगह आप जा रहे हैं और आप इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें भी जो है अच्छा है। दूसरी चीज मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा तो थोड़ा उसमें अभी कोविड में महामारी फैली, आपको ये मालूम है उसकी वैक्सीन आ गई, सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हैं? है ये जो वैक्सीन जो निकाली है इसके जो हमारा देश इस स्थिति में आ गया कि हम दूसरे देशों को वैक्सीन निर्यात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पेपर में पढ़ रहे हैं, वो वैक्सीन का जो है ना कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो है ना उसमें से एक वैक्सीन जो निकाली है वो कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर मूर्ति, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में वो उन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर कर एमएससी एजी किया, उसके बाद में किसी मेडिकल कॉलेज में वो जेनेटिक्स। गर्व है कि कोविड 19 से बचाव हेतु विकसित भारत की प्रथम वैक्सीन कोवैक्सीन के जनक डॉक्टर कृष्णमूर्ति एला कृषि स्नातक है। पूरा देश ही नहीं विश्व आप पर नाज कर रहा है। कोरोना के बाहर से विश्व और भारत समुदाय को बचाने के लिए ये और दावे के साथ में रहेगा आपका करियर भी अच्छा रहेगा, चाहे आप डिजाइन ड्राफ्टिंग में चले जाएं, साइंटिस्ट में चले जाएं, डिपार्टमेंट में आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब विभाग में जो विकास के कार्य जो हो रहे हैं कृषि से संबंधित उसमें आप काम करेंगे, वो भी एक स्वाभिमान के साथ में चलेंगे। सारी चीजें जो है ना कि आपको जो है ना कॉम्पिटिशन में भी जो है आ गई है अच्छा उसमें नॉलेज आपको हो जाता है। 68 कोर्सेज आप पढ़ते हैं पूरे 4 साल में और फिर आप स्पेशलाइजेशन कर दो। स्पेशलाइजेशन आपको करना है तो जो है ना कि सॉइल साइंस में मृदा विज्ञान और भूमि में भी हम कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में कर सकते हैं, रोग विज्ञान है कि किसी पौधे में कोई रोग लग रहा है कुछ लग रहा है प्लांट पैथोलॉजी में कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे जब इंसेक्ट पेस्ट जब आ जाते हैं कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है, कभी अपन ने सुना होगा कि टिड्डी का अटैक हो गया, टिड्डी आता है, कभी ये जैविक हथियार के रूप में उपयोग कर लेते हैं दूसरे अपने जो पड़ोसी विरोधी अपने जो देश है ना जैविक हथियार के रूप में करते हैं, तो टिड्डी जो है ना पेस्ट कंट्रोल में जाएंगे तो एंटोमोलॉजी में एमएससी भी कर सकते हैं। तो वो बहुत सब्जेक्ट है इसमें फर्टिलाइजर जैसे अभी भी कई बच्चे किसान के हुए किसान खेती किसके घर में होती है आपके घर में होती है, अभी यूरिया की क्राइसिस मिली बनी यूरिया या खाद की कुछ समस्या आई थी पेपर में अपन सुनते थे आ रही थी यार, तो जब यूरिया हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट वो करेंगे। यदि आप कृषि विज्ञान में आपने वो किया है तो आप खेती को भी टेक्निकल ढंग से कर भाई यूरिया नहीं मिल रहा जरूरी थोड़ी है आज हमको यदि रोटी नहीं मिलेगी हम चावल से काम घर में ही अपने होता है भाई दाल चावल रोटी सब्जी बनाई भाई रोटी कम कर गई कम पड़ गई तो अपने सामने चावल भी है एक ऑप्शन है नहीं अपने पास है। तो आप वो जाएंगे तो वो यूरिया का कोई ना कोई अच्छा क्या है कि जिसको नॉलेज नहीं है वो यूरिया के भाग रहा है कि भाई वो यूरिया चाहिए यूरिया चाहिए यूरिया चाहिए, बिना यूरिया के प्रोडक्शन ही नहीं होगा जैसे, अरे नहीं भाई उसकी टेक्नोलॉजी में आप जब विज्ञान कृषि विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट है। आज अपन जो है ना कि आप खेतों में वो करते हो इस तरफ फिर पता नहीं बेसिकली आई फ्रॉम भोपाल तो हमारा उस तरफ तो ये देखते हैं कि अभी मार्च के महीने में अप्रैल के महीने में कटाई हो जाएगी गेहूं की और मैकेनाइज फार्मिंग हो गई है, लेबर से कटाई हो नहीं रही है, ट्रैक्टर से बोनी कर रहे हैं, हार्वेस्टर से हार्वेस्टर आप लोगों की तरफ आते हैं ना अच्छा हार्वेस्टर से जो कटिंग होती है ना लेबर काटता है किसी पौधे को तो नीचे से काटता है गेहूं को है, हार्वेस्टर काटता है तो वो नीडिंग स्पेस से काटता है ऊपर से काट देता है फिर उसके बाद में क्या वो कचरा जब अगली क्रॉप हम लेते हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं अपने किसान भाई क्या करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है तो क्या कर दिया आग लगा दी। जैसे हमारा घर है वैसे ही जो कई हमारे जो कीट पतंग की जो कीड़े मकोड़े रहते हैं कई हमारे मित्र कीट भी रहते हैं जैसे केचुआ बरसात के दिनों केचुआ निकले आएगा तो कैसी अपने को गंदगी लगेगी केचुआ निकले नहीं भाई वो केचुआ जो है ना वर्मी कंपोस्ट में आ रहा है वो मिट्टी में रहता है मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बनाता है ह्यूमस क्रिएट करता है उसका अपना रोल है। हमने जब उसमें खेत में आग लगा दी तो अब जो उसमें कीट पतंगे जो हमारे फ्रेंडली रहते थे एग्रीकल्चर के लिए उनको क्या वो जिंदा रह पाएंगे क्या इसी बात है। तो जब आप कृषि एग्रीकल्चर साइंस पढ़ेंगे तो उसमें सारी ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी और एक आप अपने उसमें जो है ना बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश को दे सकते हैं। मैं तो आप तो स्वागत है आपका बहुत इजी बेसिस पे जो है ना इजी उसमें जो है ये टेस्ट निकल जाता है।
इसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी जो है ना, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक पेपर होता है ICAR, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। और शासन का शासन मध्य प्रदेश शासन हो या भारत सरकार हो, बहुत बड़ा बजट कृषि के उस पर नीति पे दिया जाता है हर साल। और उसका उद्देश्य क्या है, फूड सिक्योरिटी मिशन, खाद्य सुरक्षा मिशन। हमारे एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति को जिसने भारत में जन्म लिया है, जो भारत का नागरिक है, उसको खाद्य की व्यवस्था करना सरकार का काम है। तो सरकार जो है ना कि बहुत इस पे काम कर रही है, रिसर्च में काम कर रही है, फील्ड में काम कर रही है। तो आप लोग जो है ना कि आराम से इसमें आ सकते हैं। और बहुत लड़कियों के लिए तो बहुत अभी क्या है कि उनको फायदे भी है इसमें जाने आने से। और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है ना कि इस समय डायरेक्टरेट की पोजीशन भी है कि असिस्टेंट डायरेक्टरेट डायरेक्ट जो है ना कि राजपत्रित अधिकारी अपॉइंट होकर आ रही है, क्लास बने हो रही। और मेरी डायरेक्टर जो है ना, आपने आज से 3 साल पहले जो है कि यहाँ प्रीति मैथिल कलेक्टर रही है, नाम सुना है, है वो रीवा की कलेक्टर रही है, इस समय वो कृषि विभाग की मध्य प्रदेश की डायरेक्टर है। उम्र कितनी है, 36 साल। हम लोग जो है ना पूरी उसमें ये आए और वो नए उससे रहते हुए IAS निकाल दिया। क्यों, उसको जितने 68 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वाला पढ़ रहा है तो उसका इतना डिटेल में नॉलेज हो जाती है कि जीवन में वो संसार में कहीं चला जाए। उसको बायो का भी नॉलेज रहेगा, उसको इंजीनियरिंग का भी नॉलेज रहेगा। घर में आप मकान बनाओगे तो जब कहते हैं नहीं इसमें इतना भाई, अरे भाई इतना इसमें खर्चा ही नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन में ही वो रहेगा। फिजिक्स भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा, बायो। ये चीज है कि आप लोग, स्वागत है आपका, आपका कैरियर इसमें जो है ना, आपका कैरियर जो है ना कि ये बात लिख लेना, नाम मेरा लिख लेना, नंबर नोट कर लेना कि आपका आज से 6 साल 10 साल बाद कैरियर बने तो आप मेरे से आगे निकलना, आपके सर आपके साथ में। ओके, थैंक यू सर।